हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम देवेंद्र, वेलकम बैक टू नेटवर्क क्रिएटर। फ्रेंड, टुडे आवर टॉपिक इज सबनेटिंग। दिस इज द फोर्थ वीडियो इन सबनेटिंग सीरीज। फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू क्लास ए की सबनेटिंग करेंगे। फ्रेंड, इफ यू डोंट हैव सीन प्रीवियस वीडियो, क्लिक ऑन आई बटन ओवर द स्क्रीन, फर्स्ट सी दैट वीडियो। फ्रेंड, इफ यू हैव came first time to this channel, please subscribe this and don't forget to click on the bell icon. Friend, अगर ये video आपके लिए useful होगा तो like भी कीजिएगा। Friend, through this video lecture we will see how to subnetting of class A IP network. तो friend, हम आज इस video lecture के through class A की subnetting करेंगे। तो हम एक example के साथ आएंगे आपके पास। फ्रेंड, इस वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया क्लास ए का। आईपी नेटवर्क है 10.0.0.0, सबनेट मास्क इज 255.192.0.0, राइट फ्रेंड? तो फर्स्ट हम इस सबनेट मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हुआ है। आई होप कि मुझे हर एक कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रीवियस वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे और आई होप कि आपके सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो तक आने तक आपके सबनेटिंग बहुत ही फेवरेट टॉपिक में से एक हो गया होगा। ओके, आई होप। 255 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 8×1 आएगा फ्रेंड, डॉट 192 का 11 6×0, डॉट 0 का 8×0, राइट? तो फ्रेंड, आप मुझे बताएंगे कि अब इस सबनेट मास्क का CIDR वैल्यू क्या होगा। फ्रेंड, आप बताएंगे मुझे। ओके, अगर आपने आंसर दिया तो राइट, इसका CIDR वैल्यू होगा 10, बिकॉज यहां पर नंबर ऑफ ऑन बिट्स जो हैं वो कितने हैं, 8-bit and 2-bit। ओके फ्रेंड, दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब मुझे बताइए कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट कौन सा है? सेकेंड ऑक्टेट, ऑब्वियसली, बिकॉज यहां पर ऑफ एंड ऑन दोनों बिट्स हैं, राइट फ्रेंड? तो अब मैं चलता हूं कुछ फॉर्मूले के साथ, जिसके थ्रू पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा, आफ्टर दैट टेबल क्रिएट करूंगा। तो फ्रेंड, ये फॉर्मूला है जो हम प्रीवियस वीडियो में भी सेम फॉर्मूला पर सबनेटिंग देखे हुए हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सेम हम फॉर्मूला यहां पर भी क्लास ए में यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड, आप मुझे अब बताएंगे कि यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज आपको पता है कि एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ ऑन बिट, राइट? तो जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का ऑन बिट है वो कितने हैं फ्रेंड, 2, राइट? एंड वाई की वैल्यू क्या होगा दोस्त? ओके, अगर आपने बताया तो बहुत सही। यहां पर सेकेंड ऑक्टेट में 6+8+8, तो आपके टोटल बिट्स हो गए वाई का 22, राइट? अब हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल गया, तो जस्ट अब हमें क्या करना है दोस्त, इनको कैलकुलेट कर लीजिए। नंबर ऑफ सबनेट्स अगर मैं 2^2 करूं तो नंबर ऑफ सबनेट्स हमें क्या मिल गया, 4, राइट? नंबर ऑफ सबनेट्स हो गया 4। नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट वाई की वैल्यू 22, 2^22 -2, इसका वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड, इसका वैल्यू क्या आएगा, ओके, 4194302। आप कैलकुलेट करिएगा, आई होप कि यही वैल्यू आना चाहिए, राइट? ये हमें नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट मिल गए, तो टोटल होस्ट कितने हो जाएंगे, इस नंबर में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके क्या बन जाएगा, टोटल, ओके, राइट? ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज हमारा क्या होगा फ्रेंड, तो ब्लॉक साइज के लिए आप 256 माइनस व्हाट,
लास्ट ऑक्टेट क्या है दोस्त? 192 अकॉर्डिंग टू सबनेट मास्क। तो आपके ब्लॉक साइज क्या मिलेगा? 64, राइट? आई होप कि यहां तक का पॉइंट क्लियर होगा। अब ये बहुत इजी है, आप लोगों ने आई होप कि प्रैक्टिस भी किया होगा इस पर। वैलिड सबनेट्स, नंबर ऑफ सबनेट्स हमें मिला था 4, वो कौन कौन से वैलिड होंगे? तो जस्ट देखिए, 0 फर्स्ट सबनेट की स्टार्टिंग 0 से, ब्लॉक साइज को ऐड करेंगे 0 प्लस 64 प्लस ब्लॉक साइज 128, राइट? एंड 128 प्लस ब्लॉक साइज की वैल्यू 64, तो 192, राइट? आपके 192 ही था, तो ये नंबर सेम आना चाहिए। डोंट बी कंफ्यूज कि हमें कहां तक जाना है, तो ये जैसे ही नंबर मिलेगा वो आपका लास्ट सबनेट बनेगा, ओके? अब हम वैलिड होस्ट के लिए हम क्या करते हैं? ओके, सबनेट में प्लस 1 ऐड करते हैं, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, 64 प्लस 1 65, गुड, 129 193, ओके। ब्रॉडकास्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? वैलिड सबनेट के नेक्स्ट में से माइनस 1, तो 0 का नेक्स्ट 64 माइनस 1 63, 64 का नेक्स्ट 128 माइनस 1 127, लाइकवाइज 191, एंड 192 का नेक्स्ट क्या होगा डियर? 256 माइनस 1 करेंगे, 255 आएगा, ओके। आई होप फ्रेंड यहां तक के कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट आपने अगर एक चीज नोटिस किया होगा, तो अभी तक के वीडियो में कॉमन क्या आपको मिला? नंबर ऑफ सबनेट्स, अगर 192 किसी में है तो नंबर ऑफ सबनेट्स उतने आएंगे, होस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ओके, एंड वैलिड सबनेट के लिए प्लस 1 सॉरी ब्लॉक साइज को हम ऐड करते जाएंगे अप टू द लास्ट ऑक्टेट ऑफ सबनेट, ओके। वैलिड होस्ट के लिए सबनेट प्लस 1, ये सभी कॉमन मेथड है। अब टेबल के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? जस्ट ब्लॉक साइज। इसके बिहाफ पर आप 1 मिनट के अंदर पूरी सबनेटिंग की टेबल रख सकते हैं। तो अ फ्रेंड, वी नीड टू फॉर्म टेबल, ओके। तो एक टेबल मैं फॉर्म करता हूं, जस्ट आई होप कि अब आपके लिए सबनेटिंग बहुत इजी होगा। तो फ्रेंड, मैं टेबल की रिकॉर्डिंग करना आई थिंक जरूरत नहीं है, तो मैं टेबल फॉर्म करके आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। फ्रेंड, ये टेबल है, फर्स्ट जो कॉलम है सबनेट आईडी, फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट। तो सबनेट आईडी के लिए जस्ट हमें क्या चाहिए? ब्लॉक साइज। तो फ्रेंड, हमने ब्लॉक साइज तो फाइंड आउट कर लिया है, 64 है, बट पॉइंट की बात क्या है कि हमारा जो सबनेट आईडी हम लिखेंगे उसके लिए मेथड क्या होगा, हमारा ब्लॉक साइज कौन से ऑक्टेट में चेंज होगा, राइट? कौन सा ऑक्टेट नेटवर्क ऑक्टेट के चेंजेस होंगे? तो देखिए, टोटल जो हमारा डिपेंडेंसीज होते हैं वो क्या है? सबनेट मास्क। तो फर्स्ट फ्रेंड देखिए, 255 कितने ऑक्टेट हैं? 1 ऑक्टेट, तो मतलब वो ऑक्टेट आपका रिजर्व होगा। तो आपके रिजर्व ऑक्टेट कौन से हैं? जस्ट 10। एंड जो ब्लॉक साइज की चेंजिंग होगी वो किसमें होगा दोस्त? सेकेंड ऑक्टेट, वेरी गुड। तो अब मैं यहां पर एक टेबल लिखता हूं, टेबल के अकॉर्डिंग सबनेट आईडी, ध्यान दीजिएगा, 10, दिस नंबर इज रिजर्व, फर्स्ट सबनेट 0.0, सीआईडीआर इज 10, राइट? आफ्टर दैट 10 डॉट, ब्लॉक साइज क्या है? 64,
तो क्या आएगा 64.0.0. डोंट बी कंफ्यूज बिकॉज सेकेंड ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट 10.128.0.0/10 10.192.0.0/10. आई होप कि आप सभी को ये पॉइंट क्लियर होगा. देखिए जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं जस्ट सेकेंड ऑक्टेट में होंगे बिकॉज हमारा सबनेट आईडी सेकेंड ऑक्टेट का इनकम्प्लीट है जिसमें वन एंड जीरो दोनों हैं. क्लियर? ओके. अब इसके बिहाफ पर हम फर्स्ट एड्रेस भी राइट कर देते हैं. एनी डिफिकल्टीज समझने में? फ्रेंड अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा ताकि हम आपके क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें. तो 10.0 देखिए जब होस्ट हम ऐड करेंगे तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये मैं हर एक वीडियो में रिपीट कर रहा हूं, तो 10.0.0 का राइट क्या होगा, ये होगा तो 0.1. 10.64.0.1 10.128.0.1 ओके फ्रेंड 10.192.0.1. आप राइट सेक्शन में राइट के फर्स्ट ऑक्टेट में आप वन का इंक्रीमेंट करेंगे. ओके अब मैं लिखता हूं ब्रॉडकास्ट. तो ब्रॉडकास्ट के लिए जस्ट क्या करना है फ्रेंड, नेक्स्ट माइनस वन. तो देखिए नेक्स्ट जीरो का नेक्स्ट क्या है 64. तो 10.64 माइनस वन करेंगे 63 होगा और बिगर नंबर आपका ब्रॉडकास्ट होता है तो वो नंबर है क्या 255. ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है. 10.127.255.255 वेरी गुड. 10.191.255.255 10.255.255.255 ओके फ्रेंड आई होप ये भी आपके पॉइंट्स क्लियर हैं. तो आपको जो चेंजेस ऑक्टेट हैं जस्ट उन्हीं में माइनस या प्लस करना है. उसके बाद ब्रॉड कॉस्ट है तो 255, सबनेट आईडी है तो 0. डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट बिकॉज सबनेटिंग के लिए यही मोस्ट, यह एक की पॉइंट आप बोल सकते हैं जिसमें हर एक जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो कंफ्यूज होते हैं. ओके तो आप प्लीज नहीं होइएगा बिकॉज इससे इजी मेथड नहीं हो सकता समझाने के लिए. इसलिए मैं पहले सीक्वेंस में क्या लिखना चाहिए, नहीं तो मैं टेबल एक साथ भी लिख सकता हूं बट आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए. तो लास्ट एड्रेस क्या होगा 10.63.255.254 बिकॉज लास्ट एड्रेस इज अ होस्ट एड्रेस. 10.127.255.254 10.191.255.254 10.255.255.254 ओके फ्रेंड तो ये हमारा रेडी हो गया टेबल. अब इनमें से आप कोई भी नंबर किसी भी नेटवर्क के, ये फोर हमारे डिफरेंट डिफरेंट सबनेटेड नेटवर्क मिल गए, ये इनका रेंज हो गया, इन रेंज का एड्रेस आप सिस्टम में असाइन कर सकते हैं. ये जस्ट आपके कैलकुलेशन थे, ये आपके 32 बिट एड्रेस में हमने मेंशन कर दिया. ओके तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड सबनेट आईडी ये हर एक नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है. जो भी आईपी एड्रेस होगा उसका एक एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा और एक एड्रेस सबनेट आईडी होगा. किसी भी नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए आपको पता है कि लोकल नेटवर्क के लिए नेटवर्क आईडी मस्ट बी मैच. ओके तो आई होप ये बेसिक पॉइंट है जो आप सभी को क्लियर है.
तो फ्रेंड जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेशन किया नंबर ऑफ सबनेट कितने आए थे 4। तो ये देखिए आपके फर्स्ट सबनेट, सेकेंड सबनेट, थर्ड सबनेट एंड फोर्थ सबनेट। ओके, अब बात होती है कि नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट 4194302 आ रहा था, तो क्या इनके फर्स्ट और लास्ट एड्रेस के बीच में 4194302 आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त कि 0 से 63 का जो नंबर होगा ये कितने होंगे 64। ओके, आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा। अब बात होती है सेकेंड ऑक्टेट की, 0 टू 255 कितने नंबर होंगे 256, मल्टीप्लाई कीजिएगा। ओके, ये 0 से 255 कितने नंबर होंगे 256। ये जो भी नंबर आएगा आप उनमें से माइनस 2 करेंगे आ जाएगा। देखिए मैं आपके सामने प्रूफ करता हूं, CALC कैलकुलेटर ओपन करता हूं मैं, इस कैलकुलेटर के हेल्प से मैं दिखाऊंगा आपको 64 मल्टीप्लाई बाय 256 मल्टीप्लाई बाय 256 क्या आ गया 4194304। इनमें से दोस्त अभी आपको क्या करना है -2 बिकॉज नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये यूज नहीं होंगे। अब देखिए 4194302 4194302 क्लियर है फ्रेंड? तो ये आपके प्रूफ हो गया कि इनके बीच का रेंज जो है वो यही है। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लास ए की भी सबनेटिंग क्लियर हो गई है। ओके फ्रेंड, आपके साइड से आपको तो लगता होगा सब कुछ हो गया, बट फ्रेंड अभी कुछ है जो आपके एक्सरसाइज में आना चाहिए, तो कुछ मैं क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ट्राई करिएगा एग्जांपल के लिए। ओके, फर्स्ट 10.0.0.0 इनकी जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.192। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्लास ए का आईपी नेटवर्क तो है बट क्लास सी के सबनेट मास्क है, तो आप कैसे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। बट आई होप कि आप सभी को सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसमें चेंजेस होंगे और बाकी 255 है तो इनके लिए रूल्स आपके डिफॉल्ट सबनेट मास्क, इनमें से डिफॉल्ट सबनेट मास्क को माइनस कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो आने वाले वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, बी क्लास का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 16.0.0 CIDR हमने दे दिया 28। ओके फ्रेंड, हमने एक वीडियो में बताया था किसी भी आईपी नेटवर्क का सबनेट मास्क उससे डिफॉल्ट सबनेट मास्क से अधिक हो सकता है बट कम नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको वो पॉइंट क्लियर होगा, नहीं तो प्रीवियस वीडियो आप फॉलो करिए, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज अगर सबनेटिंग क्लियर है तो आपके CCNA सिस्को के हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी जो आईपी से रिलेटेड है। ओके, आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर है, आपको जस्ट प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को लेकर। बाकी हमने रेंज दिया था CIDR का, उसको फॉलो कीजिए। ओके, सबनेटिंग प्रैक्टिस पर लाएंगे, आप देखिए जस्ट इस टेबल को जो कंप्यूटर के लिए रिक्वायर्ड है, आप जस्ट एक ब्लॉक साइज के बिहाफ पर सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबनेट्स बता सकते हैं, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट बता सकते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बता सकते हैं, वैलिड नेटवर्क बता सकते हैं, वैलिड होस्ट एड्रेस बता सकते हैं। ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड इन सिंगल टेबल, अबव जो भी है वो जस्ट एक कैलकुलेशन है। तो आपको मास्टरमाइंड बनना है तो आप इन शॉर्ट मेथड को यूज कीजिए, बिकॉज
जब हम कंपनी में काम करेंगे तो ये जस्ट कैलकुलेशन मेथड है। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा हाउ टू कन्वर्ट क्लास फुल टू क्लासलेस। ओके, तो प्लीज आप हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें और यूजफुल चीजें आपको हम देंगे वीडियो के माध्यम से। आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।